everyone, welcome back to my channel Nivedita Classes. I am Nivedita Jaiswal. How are you? I hope aap sab theek honge. Aaj hum log sari TOT, Motor Vehicle Act and aapke ho jate hain Railway Act sare khatam karne ke baad mein aaj main Indian Contract Act par video bana rahi hu. Aaj hum log samajhte hain what do you understand by Indian Contract Act and mention their definition and main kinds के बारे में आज हम लोग समझेंगे, okay? तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये आखिर कब हमारे भारत में लागू किया गया था, कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसे गवर्नर जनरल द्वारा सिग्नेचर किया गया था, और मैं इसे बहुत ही इजी वे में बताऊंगी किस तरीके से इसे हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को जनरल द्वारा, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सिग्नेचर किया. इसके बाद 1 सितंबर 1872 को पूरे भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कर दिया गया था. आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो हमारे भारत के पूरे जितने भी राज्य हैं, सारी जगह पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हैं. और आपको बता दूं मैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप सोचते होंगे कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ही टेंडर डालते होंगे, इसके बाद में उन्हें काम मिलता होगा, तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. बट ऐसा नहीं है. हम लोग जो हम हैं, आप हैं, चाहे कोई भी है, चाहे आपके बिजनेसमैन हो जाते हैं, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, आईएएस ऑफिसर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, हमारे डेली रूटीन में कभी ना कभी कोई ना कोई कारण से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते ही हैं. अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर आप तो बोल दी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बस किस कारण से, किस चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ. बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, एंड जो भी डेफिनेशन है, उसकी काइंड्स है, सब मैं वन बाय वन आपको लेक्चर द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी. सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं. एग्जाम्पल बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है. जैसे कि हम लोग अपने घर में डेली पेपर लेते हैं तो हम लोग ऐसे थोड़ी ना कि पेपर वाला आया, हम लोग को फ्री में पेपर दिया और चला गया. ऐसा नहीं होता है. कोई भी पेपर जब देता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उससे बोलते हैं कि भाई आप हमारे घर में डेली सुबह सुबह मॉर्निंग में पेपर दीजिएगा, और इसके बाद में जब वन मंथ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम आपको पैसा पेमेंट कर देंगे, जो भी 140 रुपीज़ या 150 रुपीज़ होती है. तो हम लोग क्या करते हैं कि वो बेचारा जो पेपर वाला है, वो डेली मॉर्निंग में हम लोग को पेपर दे के जाता है. इसके बाद जब मंथ कंप्लीट होता है तो हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, जो भी उसकी पैसे होती है, जो भी उसकी इनकम होती है, जो भी उसका चार्ज होता है, उसे हम लोग मंथली के बाद में जब मंथ कंप्लीट जाता है तो हम उसे दे देते हैं. तो ये क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कोई भी इंसान कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करता है. जैसे हमारे घर में दूध वाले आते हैं तो जब दूध देते हैं तो बोलते हैं कि मैडम जी, मैं आपको दूध दूंगा, आप वीक में जब आपका संडे हो जाएगा तो आप हमें पैसा को पेमेंट कर दीजिएगा. तो हमारे घर में दूध वाला दूध दे के जाता है, तो इसके बाद में वीक जब खत्म हो जाती है तो वो हमारे साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि दूध भाई दिया, उसके बदले में आपको पैसा देना है. तो हम किसी न किसी कारण से, कोई ना कोई कारण से, हम डेली रूटीन में किसी न किसी वजह से हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग को किसी न हर समय हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हर समय हमें निर्भर रहना पड़ता है दूसरे पर. और फॉर एग्जाम्पल मैं और भी आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे मान के चलिए हम लोग को घर की आवश्यकता है, तो हम लोग घर के लिए क्या करेंगे कि दूसरे पर निर्भर रहेंगे कि आप हमें रेंट पे घर दीजिए, मैं आपको जितना पे रेंट होगा मैं आपको दूंगा. तो हम लोग इससे क्या करें, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हमको आपके घर की आवश्यकता है, आपको हम इतना रुपये, 20,000 जो भी रेंट होगा, 12,000 15,000 20,000 जो भी रेंट होगा आपको दे दिया जाएगा, आप इसके बदले में मुझे घर दीजिएगा. तो ये क्या चीज़ है, रेंट, ये क्या चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है.
कि कोई भी चीजों को करने के लिए कोई भी चीज हम जैसे कि हम कहीं भी जा भी रहे हैं और जाते हैं कहीं पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी गाड़ी से हम कहीं पे जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं या कोई भी चीज़ों से जाते हैं, तो हम लोग फ्री में नहीं जाते हैं। जब हमें वो व्यक्ति अपने गाड़ी पे बैठाता है, बस में बैठाता है, ऑटो में बैठाता है, किसी चीज़ में बैठाता है, तो वो हमसे क्या मांगता है? पैसा मांगता है, किराया मांगता है, फेयर मांगता है कि भाई आप हमारे गाड़ी में बैठे हो तो उसके बदले हमें पैसा दीजिए, आप उसके बदले किराया दीजिए। तो हमसे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि हमने उसकी गाड़ी में बैठा और जहाँ तक हमारा जितना दूर तक हमें जाना है गए, और इसके बाद में उसके बदले हमें उनसे उन्हें हमें पैसा देना पड़ा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इसी तरह हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं को खरीदते हैं या वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, तो उसके बदले में हम पैसा पे करते हैं, तो हम उसे हम क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यदि हम कहें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी जो जिंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारी हो गई चाहे आपकी हो गई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट अंग हम मान सकते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेसमैन लोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उनका जितना भी बिजनेस है, कारोबार है, जितनी भी उनकी डील होती है सारी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है। तो आज हमने जाने कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, कल मैं आपको बताऊंगी इसके जितने भी जैसे आपके हो जाते हैं एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इक्वल टू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में बताऊँगी, इसके बाद इन्फोर्सिएबल बाय लॉ के बारे में बताऊँगी, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं क्लियर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। आज आप समझ गए, अगर आपको कोई भी चीजों में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टिल देन, बाय बाय।